उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा और उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए। नतीजे के बाद से लगातार बीजेपी चिंतित है कि ऐसा कैसे हो गया। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संबोधित करेंगे। चुनाव नतीजे के बाद से पार्टी के अंदर असंतोष और नाराजगी की कई वजह सामने आई है और आ रही है। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के सामने खुलकर अपनी बात रखने का मौका होगा। कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, संबोधित भी करेंगे। पार्टी में जो असंतोष है उसके बीच ये अहम बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के सामने तमाम लोगों को अपनी बात खुलकर कहने का यह अवसर होगा। आला कमान के सामने बीजेपी के नेता अपनी बात रख सकेंगे कार्य समिति की इस बैठक में। यह मंथन है, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले। अपोजिशन इंडिया अलायंस ने बढ़िया प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में और उसके बाद अब ये बड़ी बैठक कार्य समिति की और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए आने वाले दिनों में इस पर चर्चा होगी। और कार्य समिति की यह बैठक है, नेताओं के सामने अवसर होगा कि वो आला कमान के सामने अपनी बात खुलकर रख सके। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस बैठक पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अंदर खाने क्या चल रहा है, किस नेता के द्वारा कौन सी बात कही जा सकती है इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में, आइए इस पर बात करते हैं। अभिषेक उपाध्याय, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बैठक को करीब से वहां पर देख रहे हैं, अभिषेक क्या इनपुट है आपके पास? चौधरी साहब देखिए, इस समय हम यहाँ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लगातार बीजेपी के नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब हैं, आप कार्यस्मिक में आए, मुझे एक बात बस जवाब दे दीजिए, आप यहाँ पर आए वो ये जो नाराजगी की बातें आ रही है, क्या लग रहा है नाराजगी है? नाराजगी नहीं भाई, आपके अपने विधायक कह रहे हैं, बदलापुर के विधायक कह रहे हैं कि नाराजगी सुनवाई, कोई नाराजगी नहीं, सरकार सुनती नहीं है, तो ये कहते हुए जा रहे हैं कि इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। तो यही यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यही उठ रहा है, जो भी यहाँ पर जो सांसद आ रहे हैं, जो मंत्री आ रहे हैं, जो विधायक आ रहे हैं, उनसे यही सवाल सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि ये जो नाराजगी की बात आ रही है बीजेपी के अपने ही नेता जो ये बयां कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, आखिरकार क्या ये इशू उठेगा? और मैं आपको बताऊं, हमने जो बात की है कौशल किशोर, जो अभी यहाँ से मोहनलालगंज से बीजेपी से हारे हैं चुनाव और इसके पहले वो मंत्री भी रहे हैं, वो भी जो है उन्होंने भी अपनी बात की। और देखिए स्मृति ईरानी को मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, स्मृति ईरानी यहाँ पर आ रही हैं इसमें जाने के लिए जी, पहुंच गई। स्मृति जी, कुछ नाराजगी वाला इशू है क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी का? बहुत सारे विधायक सवाल उठा रहे हैं। नमस्ते, कैसे अभिषेक जी? कैसे अभिषेक जी? तो स्मृति ईरानी है, उस पर अपनी बात नहीं कह रही हैं। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है कि अभी लोग इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा यही यहाँ पर बना हुआ है। देखिये मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जो भी नेता जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, और देखिये ये सतीश जी मौजूद है, अलीगढ़ से सांसद हैं। सतीश जी एक बात मुझे बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है आपके पश्चिम में जहाँ से आप आते हैं, वहाँ तो भीतरघात का मुद्दा भी उठा, नाराजगी का भी उठा है क्या? इस टाइम देख रहे हो संगठन की बैठक चल रही है, अभी शुरू नहीं हुई बैठक, लेकिन ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि नाराजगी है, भीतरघात हुआ है, अपनों ने लूट लिया है, कमल खिला है उत्तर प्रदेश में, देख तो नहीं है, मैं खुद स्वयं जीत गया हूँ। आप जीत के आए लेकिन बहुत लोग हारे भी हैं, कोई खास वजह आपको लगता है कुछ अंदर से नाराजगी? मेरा तुम्हें पता है मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ अलीगढ़ से बाहर। अच्छा, सिर्फ इशारों में बात करेंगे आप? नहीं, अलीगढ़ ही बोलता हूँ मैं। अच्छा, बाहर अलीगढ़ में कोई भीतरघात तो नहीं हुआ है? तुम यार सिर्फ मुस्कुरा के तो देखिए वो खामोशी भी बहुत कुछ कहती है और मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कहती है। सतीश गौतम इससे ज्यादा अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा यहाँ पर लगातार उठ रहा है। और देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, 3000 ये बड़ा यहाँ पर जमावड़ा है, करीब 3000 यहाँ पर जो बीजेपी के अलग अलग मेयर हैं वो हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, जो मंत्री हैं केंद्र में वो सब के सब यहाँ पर आए हुए हैं विचार विमर्श के लिए। दो मसलों पर जरूर बात होगी, एक पॉलिटिकल प्रस्ताव पास होगा और उसमें बीजेपी के आगे का विजन क्या होगा उसका ब्यौरा होगा, लेकिन ये भी हमसे कौशल किशोर ने कहा कि हम ये मुद्दा हमें बोलने को कहेंगे तो मैं मुद्दा उठाऊंगा कि प्रशासन जो है बीजेपी के खिलाफ
था, कुछ जगहों पर प्रशासन समाजवादी पार्टी के प्रभाव में काम कर रहा था, भीतरघात हुआ, ये सब बातें यहाँ पर कह के एबीपी न्यूज के कैमरे बोल के कौशल किशोर गए हैं। तो ये सब बातें चूंकि सामने आ रही हैं, इसलिए ये मुद्दा अपने आप में और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। देखिए यहाँ एक मैं आपको तस्वीर और दिखा दूं, यहाँ पर संजीव बालियान यहाँ पर पहुंचे हैं, इनको भी मैं आपको दिखाऊंगा, संजीव बालियान, और इनसे भी एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संजीव बालियान वो हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। देखिए आपने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा अमित शाह से, आपने कहा कि गृहमंत्री से कि जांच करा लीजिए मेरे बारे में, और आरोप लगाया आपके अपने संगीत सोम ने। जब पता है सारी बात का फिर क्यों पूछ रहा है दोस्त? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज कार्य समिति ये मुद्दा उठाएंगे यहाँ पर, जो भीतर घात हुआ है, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहा दमता, जो शेर आप पढ़ते हैं, जो मौका ऐसा मिलेगा तो ऐसा भी करेंगे। हाँ, पर भीतरघात हुआ है पूरा करके आप बात को टाल रहे हैं, भीतरघात हुआ है, पता नहीं कितने घात हुए, किस किस की बताऊं यार, सीने में झेला ये रहा ये भी का भीतरघात के शिकार है ये? नहीं, ये मेरा दोस्त है भाई, मेरा भाई है। आपने सब सीने पे झेला है आपने? अब झेलने तो पड़े ही है। तो बताया आगे आगे जानकारी दी कि नहीं आपने पार्टी के उच्च नेताओं को आपके साथ जो हुआ है, जो आप कह रहे हैं? जब पूछेंगे बता देंगे, बताएंगे। इसको सही करना चाहिए इस मुद्दे को, आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा है पार्टी को 2027 में अगर जीत? मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है पार्टी में बड़े लोग, वो अपने आप तय करेंगे क्या करना है। संजीव बालियान है, देखिए मैं सबसे ध्यान देने वाली बात यही है राजेंद्र की, बीजेपी के आप नेताओं की आप बात सुनिए, ये लग जाता है कि उनके सीने में बहुत कुछ भरा हुआ है, और जब आप बात करते हैं, आप सवाल दर सवाल पूछते हैं, तो वो रिस रिस के सामने आने लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी जो ये बातचीत अभी आपने की उससे बात जाहिर भी हो रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।